हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मच अवेटेड Hyundai Elite i20 का ऑल न्यू स्पोर्ट्स प्लस डुअल टोन वेरिएंट का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे एंड हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएंगे सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये है एलीट i20 का ऑल न्यू स्पोर्ट्स प्लस डुअल टोन वेरिएंट एंड इस व्हीकल पे आपको मिलेगी 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी प्लस अवेलेबल है 3 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस। और इस प्रीमियम हैचबैक की पर मंथ इंडिया में सेल है 10 to 13,000 यूनिट्स। डायमेंशन भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। i20 राइवल करती है बलेनो, होंडा जैज, VW पोलो एंड टाटा एल्ट्रॉस के साथ। सो फ्रंट अवेलेबल है नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प विद हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन विच इज फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल। इसी के साथ यहाँ पे फॉग लैम्प मिलेंगे विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। एयर कर्टन भी दिए गए हैं फॉर हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड टू इंक्रीज माइलेज। और यहाँ पे डुअल टोन फिनिश मिलेगी फ्रंट बम्पर पे। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है फ्रंट कैस्केड डिजाइन ग्रिल विद क्रोम बॉर्डर्स। सो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल हैं एंड i20 के सस्पेंशन में आपको काफ़ी बैलेंस मिलेगा। गैस टाइप शॉक एब्जॉर्बर्स भी ऑफर करे गए हैं। और इस प्रीमियम हैचबैक की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल है 40 लीटर्स की। एंड कर वेट आपको मिलता है पेट्रोल का 1066 kg एंड डीजल का 1170 kg अप्रॉक्स। और हुंडई के चेन्नई प्लांट में इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एंड गाइज दीज आर सुपर स्टर्निंग 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि स्पोर्ट्स डुअल टोन में अवेलेबल हैं एंड टॉप एंड वेरिएंट में भी अवेलेबल हैं। एंड दीज आर 195/55 सेक्शन टायर्स। और यहाँ पे विंग मिरर्स भी आपको रैप मिलते हैं इन हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश प्लस कुछ बॉडी ग्राफिक्स भी यूज़ करे गए हैं विच लुक वेरी स्टाइलिश। इवन यहाँ पे भी आपको बॉडी ग्राफिक्स मिलेंगे। एंड अगर आप डुअल टोन वेरिएंट लेते हैं तो आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक रूफ, साथ में ये है रूफ एंटेना। इसी के साथ आपको सी पिलर भी मिलेगा हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ। एंड यहाँ पे साइड प्रोफाइल पे भी आपको दिए गए हैं बॉडी ग्राफिक्स विद i20 बैज। और दोस्तों ये है ऑटोमेटिक ORVM विद इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ऑप्शन। तो आप अगर गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे एंड अनलॉक करेंगे तो विंग मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। सो गाइज ऑल्दो एलीट i20 में 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन ये डुअल टोन वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको 3 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं जो है फेरी रेड के साथ ब्लैक रूफ, पोलर वाइट के साथ ब्लैक रूफ एंड पैशन ऑरेंज के साथ ब्लैक रूफ। अगर आप रेड या वाइट कलर लेते हैं तो वहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे विद रेड इंसर्ट्स। अगर आप ऑरेंज कलर लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स विद ऑरेंज इंसर्ट्स। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग, साथ में ये है डुअल टोन वेरी स्पोर्टी रियर बम्पर विद रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स लाइट। एंड लेफ्ट साइड i20 की बैजिंग। तो अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे की से भी आप टेलगेट को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे टेलगेट पे आपको मिलती है इमरजेंसी एग्जिट एंड ग्रैब हैंडल। रियर पार्सल ट्रे भी अवेलेबल है एंड टोटल लगेज एरिया आपको मिलेगा 285 लीटर्स। यहाँ पे ग्रॉसरी हुक मिलेंगे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड भी इवन अवेलेबल है लेकिन लगेज लैंप आपको इस मॉडल में नहीं मिलता। और ये है स्पेयर टायर। सो जो स्पेयर व्हील दिया गया है इट इज़ 15 इंचेस यानी कि स्पेस सेवर टायर दिया गया है एंड ये स्टील व्हील है, इट इज़ नॉट एन अलॉय। और यहाँ पे जो सेकेंड रो है वो आपको मिलेगी बेंच फोल्डिंग। 60/40 का स्प्लिट फंक्शन आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलता i20 के। सो कुछ ऐसे आप सीट डाउन कर सकते हैं इफ़ यू नीड एक्स्ट्रा लगेज एरिया। तो आप टेलगेट को भी क्लोज कर देते हैं। ऑल्सो i20 के सारी वेरिएंट्स में आपको मिलती है इको कोडिंग टेक्नोलॉजी विच मेंटेन्स फ्रेश एनवायरनमेंट इनसाइड द कैबिन बाय एलिमिनेटिंग ऑल बैड स्मेल, बैक्टीरिया एंड ओडोर्स। इसी के साथ अगर बात करें स्पोर्ट्स प्लस डुअल टोन वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की, सो यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है डुअल हॉर्न, लो फ्यूल, डोर एंड टेलगेट अजाब वार्निंग, ड्राइवर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट सीट बेल्ट विद रिटेंशनर्स, ABS विद EBD, डुअल फ्रंट एयर बैग, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, साथ में स्मार्ट पेडल, सेंट्रल लॉकिंग, क्लच लॉक, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर डिफॉगर, फ्रंट फॉग लैम्प एंड हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन। तो ये सब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ इक्विप मिलता है आपको स्पोर्ट्स प्लस डुअल टोन वेरिएंट। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ से बोनेट को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस ऑफर करे गए हैं। फर्स्ट इज 1.2 लीटर कापर डुअल BTVT 4-cylinder पेट्रोल इंजन, पावर है 83 PS, टॉर्क इज 114 Nm। ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिलती है 5-speed मैनुअल एंड CVT गियर बॉक्स, जिसकी माइलेज है 19.8 kmpl। और दूसरा इंजन यहाँ पे आता है 1.4 लीटर U2 CRDi 4-cylinder डीजल इंजन विच इज सुपर पावरफुल, पावर है इसकी 90 PS, टॉर्क इज 220 Nm, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये सिर्फ अवेलेबल है, जिसकी माइलेज है 22.54 kmpl। ऑल्सो ये स्पोर्ट्स प्लस डुअल टोन वेरिएंट आपको मिलेगा पेट्रोल एंड डीजल सिर्फ मैनुअल के साथ। यहाँ पे CVT का ऑप्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलता। And these are auto folding wing mirrors. इसके साथ गाइज यहाँ पे दो कीज अवेलेबल है, एक आपको फोल्ड की मिलती है और एक आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की मिलेगी। तो ये है फोल्ड की विद 3 बटन्स, लॉक अनलॉक एंड टेल गेट। सो यहाँ पे डुअल टोन वेरिएंट में आपको मिलते हैं ऑल ब्लैक वेरी स्पोर्टी इंटीरियर्स, और ये है ऑल ब्लैक फ्रंट डैशबोर्ड विद रेड इंसर्ट्स। तो यहाँ पे AC वेंट्स के पास रेड इंसर्ट्स मिलेंगे एंड देन यहाँ पे ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट अपॉस्ट्री अवेलेबल है। इवन यहाँ पे भी आपको मिलते हैं रेड इंसर्ट्स, गियर लिवर पे भी यहाँ पे दिए गए हैं। और इवन i20 के इंटीरियर्स में यहाँ पे पिलर्स एंड रूफ भी ब्लैक इन कलर की दी गई है विच लुक वेरी स्पोर्टी। और ये हाइट एडजस्टमेंट फॉर ड्राइवर साइड सीट, दिस इज फ्यूल लाइट, इसी के साथ क्लच फुटरेस्ट भी अवेलेबल है। एंड ये है हेडलाइट लेवलर विच इज इल्यूमिनेटेड। सो यहाँ पे जो डोर पैनल दिए गए हैं दैट इज ऑल्सो इन फुल ब्लैक फिनिश। यहाँ पे आपको मिलते हैं स्पीकर्स, बिग साइज बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट। ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल है विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन। पावर विंडो में आपको टाइम लैग भी मिलेगा एंड दीज आर ORVM कंट्रोल्स। और यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर्स भी अवेलेबल हैं। सो अब चेक करते हैं इंटीरियर फीचर्स एंड यहाँ पे डोर को भी क्लोज कर लेते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे आपको मिलती है स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, और यहाँ पे काफ़ी डिसेंट साइज़ का स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। इसी के साथ ये है 2 डिफरेंट साइज़ के कप होल्डर्स। सो अब लगाते हैं रिवर्स गियर। तो कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा का। डायनामिक गाइडलाइन दी गई है, स्टीयरिंग मूव करेंगे गाइडलाइंस भी मूव होंगी। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा विच मेक पार्किंग हैसल फ्री। और गियर बॉक्स के ठीक आगे यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस भी आपको मिलता है एंड यहाँ पे मिलेगी वायरलेस चार्जिंग एंड दैट्स हाउ वायरलेस चार्जिंग वर्क्स। इसी के साथ यहाँ पे एक USB चार्जर अवेलेबल है और ये है ऑक्स एंड USB पोर्ट विच आर एल्यूमिनेटेड। ओवरऑल कैबिन में भी आपको ब्लू कलर की एल्यूमिनेशन मिलेगी और यहाँ पे कोई USB चार्जर अवेलेबल है। सो ये USB चार्जर कनेक्टेड है वायरलेस चार्जिंग के साथ। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो वायरलेस चार्जिंग ऑफ हो जाएगी। ये है 3 एम्पियर का फास्ट चार्जर एंड अगर हम इसको दोबारा प्लग इन करते हैं तो वायरलेस चार्जिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सो ऑटोमेटिक एसी इस मॉडल से रिमूव कर दिया गया, अब आपको मैनुअल एसी मिलेगा एंड दिस इज कार्ड होल्डर। सो गाइज दिस इज 7 इंचेस बेस्ट इन क्लास इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ सुप्रीमली रिस्पॉन्सिव एंड इसके ठीक ऊपर यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का स्विच मिलेगा विच इज़ 5-door सेंट्रल लॉकिंग। सो यहाँ पे आईपीएस डिस्प्ले मिलता है विच इज़ क्रिस्टल क्लियर, 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 4 ट्विटर्स दिए गए हैं, आरकम इसका साउंड मोड मिलता है एंड साउंड क्वालिटी इज़ ब्रिलियंट। इमेजेस आप व्यू कर सकते हैं सिस्टम में, वीडियोस को भी प्ले कर सकते हैं, साथ में नेविगेशन भी अवेलेबल है, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, रेडियो एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को भी ये सपोर्ट करेगा। Hyundai की i-Blue ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। ऑल्सो एप्पल CarPlay, एंड्रॉयड ऑटो एंड मिरर लिंक भी अवेलेबल है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है कूल ग्लव बॉक्स और यहाँ पे एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल दी गई है, इवन सनशेड एंड सनग्लास होल्डर भी आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो पैसेंजर साइड सनशेड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है एंड यहाँ पे 2 फ्रंट में कैबिन लैंप अवेलेबल है विद थिएटर डिमिंग फंक्शन एंड दिस इज सनग्लास होल्डर। और ड्राइवर साइड सनशेड में आपको वैनिटी मिरर एंड टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक। सो यहाँ पे एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट मिलती है। इसी के साथ लेफ्ट साइड दिए गए हैं ऑडियो, ब्लूटूथ एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कंट्रोल। राइट साइड आपको मिलेंगे MID कंट्रोल्स एंड कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये है हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल्स। और गाइज यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम और अप मार्केट आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेंटर में MID स्क्रीन दी गई है जो कि शो करेगी एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, लाइव स्पीड, डुअल ट्रिप मीटर एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। साथ में यहाँ पे आपको आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले भी मिलता है एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलेगा। एंड दोस्तों ओवरऑल जो i20 का ये स्पोर्ट्स प्लस डुअल टोन वेरिएंट है, ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। अगर आप इस डुअल टोन वेरिएंट को परचेज करते हैं तो अराउंड आपको 30,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ओवर रेगुलर स्पोर्ट्स प्लस मॉडल। ऑन रोड प्राइस भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड ये है ऑल ब्लैक रियर डोर की लुक। यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट अवेलेबल हैं। पावर विंडो कंट्रोल्स विच इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड, साथ में यहाँ पे ट्विटर्स भी मिलेंगे। एंड दोस्तों ये है रियर सीट्स की लुक। यहाँ पे भी रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं, साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। इस मॉडल में आपको रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अवेलेबल है टॉप एंड वेरिएंट में, जिसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है। एंड दिस इज रियर एसी वेंट्स। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे पॉकेट नहीं मिलती, लेकिन पैसेंजर साइड आपको दी गई है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पॉकेट। एंड दिस इज ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर। सेंटर में कैबिन लैंप अवेलेबल है, राइट साइड भी ग्रैब हैंडल मिलेगा विद कोट हैंगर। सो ये है सुपर स्पोर्टी फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।